Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts, and today we are going to start a new concept, that is revenue recognition, or we can say that realization concept. Okay, and the previous concepts we have already uploaded, so go through my channel and check the previous concepts. Okay, now let's begin. Okay, सबसे पहले हम समझते हैं कि रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता क्या है. ओके सर, रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स मीन कि जो आपको रेवेन्यू, जैसे आप कोई चीज को सेल करते हो, ठीक है, पहले हम इसको समझेंगे, देन हम उसकी मीनिंग को पढ़ेंगे. कि हम कोई भी, फॉर एग्जांपल आप कोई बुक सेल करते हो, ठीक है, तो आप ये बताइए, जब आप कोई बुक सेल करते हो और सेल करने के बाद तब आप उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड करोगे कि जब आप उससे मनी रिसीव कर लोगे तब लिखोगे, ठीक है. यानी कि हम जो अपने कोई भी ट्रांजेक्शन हम तब लिखते हैं जब हम अपनी चीजों को सेल कर रहे हैं. यानी कि जब हमारे पास से कोई चीज जा रही है और हमको कुछ चीज मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब हमने कोई चीज सेल करी, सोल्ड करी, तो हम अपने अकाउंट्स में क्या करेंगे, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें जो भी फिर उसके बाद इनकम आएगी, रेवेन्यू आएगा, फिर हम उसको शो करेंगे. तो रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपका जो भी रेवेन्यू है, ठीक है, आप जो भी अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो उतना ही रिकॉर्ड होता है जितना क्या है, टोटल आपके पास है, उतना नहीं, जितना आप उसको सेल करके उससे आपकी इनकम और रेवेन्यू आप बनाते हो, वो होता है रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. एक बार पढ़ लेते हैं हम. दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड. यानी कि जब आप क्या करते हो, आपके पास अगर 10 कॉपीज है, तो 10 में से जब आप 5 क्या करते हो, सोल्ड करते हो, और उससे जब आपको मिल रहा है, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू. आपके पास 10 कॉपीज है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, वो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं कहता. वो क्या कहता है कि जब आपने क्या किया, आपने उस बुक को सोल्ड किया. ओके, द टर्म रियलाइजेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ लीगल राइट टू रिसीव मनी. ठीक है, यानी कि क्या है कि रियलाइजेशन मीन्स कि क्रिएशन ऑफ लीगल राइट, यानी कि आप किसी से आप बुक लेते हो, सॉरी बुक सोल्ड करते हो, लेकिन अगर वो आपको पैसे नहीं देता है, तब आप क्या कर सकते हो, उस पर लीगल एक्शन कर सकते हो, क्योंकि आपने तो अपनी चीज उसको सेल करी है, बट क्या है, आपने उससे, उसने आपको मनी नहीं दिया है. सेलिंग गुड्स इज रियलाइजेशन, रिसीविंग ऑर्डर इज नॉट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, और वी कैन से दैट इन अनदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट रेवेन्यू इज सेड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन कैश हैज बीन रिसीव्ड or right to receive cash on the sale of goods or services or both has been created. यानी कि revenue क्या कहता है, revenue कब बनता है आपका, वो कब realize होता है, जब आप कोई चीज sold करते हो और तब आपको क्या मिलता है, उसके बदले में आप cash receive करते हो, तो you have a right to receive cash on the sale of goods. आप कोई भी जब goods sell कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, money मिलेगा, cash मिलेगा, ठीक है, और the services of both has been created. यानी कि जब ये दोनों situations होती है, रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो लगता है. ओके, एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एनपी ज्वेलर रिसीव्ड एन ऑर्डर टू सप्लाई गोल्ड ऑर्नामेंट्स वर्थ रुपीज 5 लाख, ठीक है, यानी कि उसने कितने का ऑर्डर रिसीव किया, 5 लाख का. दिस सप्लाइड ऑर्नामेंट्स वर्थ रुपीज 2 लाख, ठीक है, दिस सप्लाइड ऑर्नामेंट्स, यानी कि उसने कितने सप्लाई किए, 2 लाख अप टू द ईयर एंडिंग, यानी कि उसने जो 5 लाख का ऑर्डर लिया था उसमें से अभी तक उसने कितने सप्लाई किए, सिर्फ 2 लाख रुपए के सप्लाई किए अपनी ईयर एंडिंग तक, एंड रेस्ट ऑफ द ऑर्नामेंट्स वर सप्लाइड इन जनवरी 2006, और उसने नेक्स्ट ईयर में कितने किए, 3 लाख रुपए के किए होंगे, क्योंकि 2 लाख तो उसने कब किए, 31 दिसंबर 2005 तक. तो क्या कहते हैं, रेवेन्यू फॉर द ईयर 2005 कितना होगा, फॉर एनपी ज्वेलर्स ओनली 2 लाख, क्योंकि उसने सिर्फ कितने सप्लाई किए थे, 2 लाख किए थे, ना 5 लाख होगा ना 3 लाख होगा. क्यों, क्योंकि आपके पास, मैंने क्या बताया, आपके पास कितना है इससे मतलब नहीं होता है, लेकिन आपने कितना सप्लाई किया है, ये क्या है, हमको रेवेन्यू रिकॉग्निशन बताता है. सो हेयर गेटिंग एन ऑर्डर इज नॉट कंसिडर्ड एज रेवेन्यू अंटिल द गुड्स हैव बीन डिलीवर, यानी कि उसको तब तक आप कंसीडर नहीं कर सकते हो जब तक आप उसको डिलीवर नहीं करेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही उसमें बेल आइकन भी है, उसको क्लिक करना जरूर, उसको क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपकी कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको सब उसी से मिलेंगे. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स.